क्या होता है, छिक्का छिक जाता है क्या? हेलो सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है वंदना भारद्वाज, मैं हरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है गंगा स्वयं सहायता समूह, उसमें की मैं कोषाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे टीएच प्लांट में आई हूँ काम करने। किस तरह का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है? इस ए आंगनवाड़ी का मतलब कि प्रोजेक्ट बन रहा है, आंगनवाड़ी का जो क्या कहते हैं पुष्टाहार बनाया जा रहा है, उसमें आप लोगों का क्या योगदान है? हम लोगों का 33 SHG गया है, 300 SHG से आया है पैसा, जो कि 300 SHG 33,000 रुपया दिया है। चार क्लस्टर है, 24 महिला काम कर रही हैं। कितने समूह के लोग हैं सर? 24 300 SHG के हैं। मेरा नाम सरोज मौर्या है, मैं सजोई गांव से हूँ। मेरे समूह का नाम एकता स्वयं सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम माँ दुर्गेश्वरी आजीविका महिला संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मैं जागृति महिला प्रेरणा लघु उद्योग से जुड़ी हूँ। सर, हम लोग तीन शिफ्ट में काम करते हैं। यहाँ किस तरह का प्रोडक्शन होता है सर? हम लोग आंगनबाड़ी पुष्टाहार उत्पादन का कार्य करते हैं, और एक शिफ्ट में हम लोग 8 महिलाएं कार्य करती हैं। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक पहला शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट 2 बजे से 10 बजे तक है, तीसरा शिफ्ट 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, इसमें हम लोग 8-8 महिलाएं काम करते हैं। कितने महिलाएं इस रोजगार से जुड़ी हैं सर? अतिरिक्त 24 महिला रोजगार से जुड़ी। कैसा अनुभव हो रहा है आप लोगों को सर? अभी तक अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप लोगों का मेहनत का फल मिलने वाला है या मिल रहा है? अच्छा लग रहा है सर। मेहनत तो हम लोग किए हैं, अब हम लोग को वेतन मिलेगा तभी हम लोग समझेंगे कि हम लोग को मिलता मेहनत का फल मिला। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अपने बारे में बताएं। डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, प्रमुख प्रतिनिधि आरआजी लाइंस वाराणसी। आज इस किस तरह का कार्यक्रम है? आज हमारे यहाँ विकासखंड आरआजी लाइंस के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह जो हमारे यहाँ गठित हैं, उससे 300 समूह के लोगों की तरफ से 33,000 रुपया प्रति समूह से पैसा कलेक्ट करके हमारे समूह की महिलाओं ने एक बड़े अभियान का शुरुआत किया है, जिसका सपना हमारे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत पहले हम लोगों ने देखा था, और माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार हमारे इस विकासखंड आराजी लाइन्स में केरल की हमारी कुछ बहनें जो काफी सफल समूह संचालन कर रही थी, उनको बुला करके हम लोगों ने अपने ही देख रेख में स्वयं सहायता समूह जो हमारे गांव में गठित हैं, इन समूहों का गठन हम लोगों ने शुरू कराया था। और उस समय हम लोग गांव के समूहों में जाके बात कहा करते थे कि आप एक समूह के रूप में संगठित होइए और अभी आप एक छोटा सा कलेक्शन अपने हिसाब से पैसे का शुरू करिए। और इसका एक उद्देश्य था कि पहले लोग स्वयं अपना पैसा एकत्रित करती थी और फिर आपस में ही अपने जरूरत के अनुसार से बांटा करती थी, और उस समय हम लोग एक कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि बाद में चल के आप एक बड़ा व्यवसाय भी कर सकती हैं, जिसके रूप में अभी हमारे प्रदेश की तमाम जिले में यह कार्यक्रम शुरू हुआ और हमारे बनारस जिले में